उत्तर प्रदेश सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर जयवीर सिंह इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, आज राजू श्रीवास्तव जी के अंतिम संस्कार में आप पहुंचे हैं, क्या मैसेज देना? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने कल भी विधानसभा सत्र के दौरान 2 मिनट का मौन धारण करके शोक संदेश, शोक प्रस्ताव पारित करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मैं समझता हूं कि हास्य कलाकार के रूप में जिस प्रकार से उन्होंने एक पूरे विश्व में अपना एक धाक छोड़ी और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में एक अनूठा जिस तरीके का प्रदर्शन अपने छोटी से अल्प आयु में किया, वो हम लोगों ने एक ऐसा कलाकार खो दिया है जिसकी लंबे समय तक आवश्यकता महसूस थी। उत्तर प्रदेश में हमने उनको फिल्म विकास परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी बनाया हुआ था। उत्तर प्रदेश को एक अपूरी क्षति हुई है और हास्य कलाकार के रूप में पूरे देश को एक अपूरी क्षति हुई है। उसके प्रति पूरी असामायिक मौत पर प्रदेश सरकार की ओर से मैं आज उन्हें माननीय मुख्यमंत्री की ओर से यहाँ अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए आया हूँ, उनके अंत्येष्टि में शामिल होने के लिए आया हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री का कल ही मुझे संदेश मिला कि चूंकि वो आज बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं तो मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हूँ। उनको परिवार के प्रति मेरी शोक संवेदना व्यक्त करता हूँ और ईश्वर से हम कामना करते हैं कि राजू जी को अपने चरणों में स्थान दें, जहाँ भी हों उनकी आत्मा को मोक्ष मिले। परिवार के प्रति प्रदेश सरकार की ओर से संवेदनाएं, सहानुभूति और प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है, ऐसा मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। और आज प्रदेश सरकार की ओर से हमें प्रतिनिधित्व करेंगे और अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए मैं यहां उपस्थित हूं। सर, परिवार से क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की बातचीत हो पाई या इसके बाद कोई मिलने का कोई कार्यक्रम है? निश्चित रूप से कल भी बात हुई उनके परिवार के साथ, सतत रूप से संपर्क में प्रदेश सरकार, इलाज के दौरान भी जो भी प्रदेश सरकार से सहयोग अपेक्षित था प्रदेश सरकार साथ खड़ी रही और बाद में भी उस परिवार के साथ प्रदेश सरकार की संवेदनाएं साथ हैं। बातचीत के लिए तो पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह उत्तर प्रदेश सरकार में जो यहां पहुंचे हैं और सरकार की तरफ से वो परिवार के साथ इस मौके पर खड़े हैं। उनका ये कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी उनके परिवार से बात की और अब यूपी सरकार की तरफ से वो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया में यहां पर शामिल होने निगम बोध घाट पहुंचे हैं। कैमरामैन अजीत चाकू के साथ दीपक सिंह रावत, एबीपी न्यूज, दिल्ली।